सो वेलकम टू माई चैनल गाइस, कोड विद केटी। सो आज की वीडियो में हम एक ब्यूटीफुल लॉगिन फॉर्म डिजाइन करेंगे, और इस लॉगिन फॉर्म में हमारा क्या होगा, एक ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, और एक हमारा एक लॉगिन बटन होगा, राइट। और इस लॉगिन फॉर्म के बैकग्राउंड में हमारी एक ब्यूटीफुल इमेज होगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर कोड। सो हम अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टू HTML फाइल क्रिएट की है। यहाँ पे मैंने टू फाइल क्रिएट किया है, फर्स्ट वन इज HTML फाइल एंड द सेकेंड इज CSS फाइल, ठीक है। और ये आपका एक बैकग्राउंड इमेज है। जैसे हम इस फाइल पे क्लिक करेंगे, सो यू कैन सी कि आपकी ये इमेज ओपन होगी जो हमने अपने लॉगिन फॉर्म के बैकग्राउंड में डिजाइन की है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर कोड। तो ये हमारी index.html फाइल है। तो हम इसका लेआउट रेडी करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस लॉगिन फॉर्म के अंदर आपकी क्या क्या चीजें हैं। आपकी एक बैकग्राउंड इमेज है, और इस लॉगिन फॉर्म के अंदर आपके टू इनपुट्स बार है, ईमेल, पासवर्ड और आपका एक बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक div क्रिएट कर लेती हूँ, दिस इज माई मेन div, ठीक है। तो ये हमारा मेन div होगा, और इस div के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी बैकग्राउंड इमेज को सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। जो ये बैकग्राउंड इमेज हमने अटैच की अपनी लॉगिन फॉर्म की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, ये हमारा मेन div है। तो इसकी क्लास को मैं रैपर क्लास मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी रैपर क्लास हो गई। और सबसे पहले जो style.css फाइल मैंने क्रिएट की है, उसको मैं लिंक कर लेती हूँ अपने HTML फाइल से। सो हेयर आई विल राइट style.css, ठीक है। तो ये हमारी मेन div हो गया। अब इस मेन div के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक div और बनाएंगे, और ये div हम किसके लिए बनाएंगे, अपने लॉगिन फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लास को मेंशन कर देती हूँ, लेट्स से दिस इज माय लॉगिन बॉक्स, ठीक है। तो ये जो div है वो हमने अपने लॉगिन फॉर्म के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब इस लॉगिन फॉर्म के अंदर आपकी क्या क्या चीजें हैं, आपका एक हेडिंग है, टू इनपुट बार है, और आपका एक बटन है, और आपके कुछ पैराग्राफ्स है, कुछ एंकर, कुछ लिंक्स अटैच है आपके, जैसे कि लाइक फॉरगेट पासवर्ड, रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज करूंगी, राइट। और इस फॉर्म टैग के अंदर मैं आऊंगी, और इस फॉर्म टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग है जिसके अंदर हमारी क्या लिखा हुआ है, लॉगिन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हेडिंग पार्ट हो गया। अब हमारा एक इनपुट बार है, ठीक है, दिस इज माई इनपुट बार। अब इस इनपुट बार के लिए यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ। तो इसका क्लास मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज माई इनपुट, दिस इज माई इनपुट बॉक्स, ओके। तो ये हमारा इनपुट बॉक्स आ गया, हो गया। इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपनी इनपुट वाली चीजें डालेंगे, ठीक है, इनपुट बार, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर हमारी क्या क्या चीजें, एक तो हमारा इनपुट है, और दूसरा हमारा लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट टैग का यूज कर लूंगी, और ये इसका टाइप हमारा क्या होगा, ईमेल, ठीक है। और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देती हूँ, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेबल टैग का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं राइट कर लेती हूँ ईमेल, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इनपुट, राइट। अब इस हम इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम एक इनपुट बार और क्रिएट करेंगे, और वो किसके लिए होगा, हमारा पासवर्ड के लिए। सो हियर आई विल राइट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने पासवर्ड राइट कर दिया, और यहाँ पे भी हमारा पासवर्ड ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे टू इनपुट बार क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हमारा एक चेकबॉक्स बटन है, ठीक है। तो हम एक थर्ड इनपुट बार और क्रिएट करेंगे, जिसका टाइप हमारा क्या होगा, चेकबॉक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक डी और क्रिएट कर लूंगी, किसके लिए, चेकबॉक्स के लिए। सो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एग्जैक्टली, और यहाँ पे मैं एक डी और क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। और इसकी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ, तो यहाँ पे हमारी क्या क्या है, यहाँ पे मैंने एक div क्रिएट किया है, और इस div के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं
दो चीजें को मेंशन करूंगी, एक तो हमारा इनपुट बार हो जाएगा जिसके अंदर हमारा जिसका टाइप हमारा चेकबॉक्स होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा एक एंकर टैग होगा जिसमें हमारा क्या लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका क्लास नेम में मेंशन कर देती हूँ, दिस इज ये हमारा इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज आएंगी, रिमेंबर मी एंड फॉरगेट पासवर्ड। सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ रिमेंबर फॉरगेट। ओके, तो इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, तो यहाँ पे मैं उसके लिए क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने एक लेबल टैग का यूज किया है और इसके अंदर मैं मेंशन कर देती हूँ। लेबल टैग के अंदर हमारा क्या आएगा, इनपुट बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट बार का यूज कर लिया और इसका इनपुट हमारा क्या होगा, चेकबॉक्स। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे चेकबॉक्स, और यहाँ पे इस इनपुट बार के अंदर मैं राइट कर लेती हूँ रिमेंबर मी। ओके, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग का यूज करेंगे और उस एंकर टैग के अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, हमारा फॉरगेट पासवर्ड। राइट, सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ फॉरगेट पासवर्ड। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा थर्ड हो गया, थर्ड पार्ट। देन हम इसके बाद एक बटन क्रिएट करेंगे और बटन का टाइप हम रख लेते हैं सबमिट। ठीक है, और इसकी ये हमारा कौन सा बटन है, लॉगिन। राइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिवोर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा क्या लिखा होगा, एक पैराग्राफ, डेट इज डोंट हैव एन अकाउंट देन यू हैव टू रजिस्टर। राइट, सो यहाँ पे मैं एक डिवोर क्रिएट कर लेती हूँ और ये डिव हमारा किसके लिए होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसकी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ, लेट्स से दिस इज माय रजिस्टर लिंक। ओके, सो इन दैट डिव आई विल राइट अ पैराग्राफ, इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट देन रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग का यूज करेंगे और इस एंकर टैग के अंदर हम क्या मेंशन कर देंगे, हमारा रजिस्टर। ओके, सो आई होप इट्स कंप्लीट। राइट, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक मेन क्लास बनाई है, डेट इज माई रैपर क्लास। और इसके अंदर रैपर क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड इमेज हमारी लॉगिन फॉर्म के पीछे है उसको हम अटैच करेंगे। राइट, देन हमने एक डिव क्रिएट किया है और ये जो लॉगिन बॉक्स है ये हमारा फॉर्म के लिए है, और इस डिव के अंदर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारे टू इनपुट बार है, ईमेल पासवर्ड। देन हमने एक डिव और क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारा रिमेंबर मी एंड फॉरगेट पासवर्ड है। देन हमारा एक बटन है, और उसके बाद हमने एक डिव और क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, देन हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आते हैं और राइट करते हैं अपनी डिजाइनिंग पार्ट। राइट, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। ओके, बॉक्स साइजिंग को मैं कर देती हूँ बॉर्डर बॉक्स। राइट, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ ब्राउजर पे। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा एक लॉगिन फॉर्म है, ये हमारे ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, ये हमारा चेकबॉक्स रिमेंबर मी फॉरगेट पासवर्ड, ये हमारा लॉगिन बटन हो गया डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर। ठीक है, तो हमें इसको डिजाइन करना है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस हो गई। ठीक है, देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो हमारा मेन क्लास है, जो मेन डिव हमने क्रिएट किया था उसकी क्लास क्या थी, रैपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ रैपर क्लास। ओके, तो जो रैपर क्लास के अंदर हमें क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड इमेज है उसको अटैच करना है अपने सेंटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को मैं कर देती हूँ फ्लेक्स, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देती हूँ ताकि हमारी जो इमेज है वो सेंटर में आए, और अलाइन आइटम्स को भी मैं कर देती हूँ सेंटर में। राइट, और जो इमेज है वो मुझे कंप्लीट रखनी है अपनी स्क्रीन पे, अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, तो उसकी जो हाइट है वो मैं कंप्लीट रखती हूँ, डेट इज 100 VH, और विड्थ को भी मैं कंप्लीट रखती हूँ 100%। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड में अटैच करना है अपनी इमेज को, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ URL। ठीक है, और इस URL के अंदर मैं क्या मेंशन करूंगी, हमारा लिंक। सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, इसको कॉपी कर लिया इस लिंक को, और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लिंक हो गया।
और ये जो बैकग्राउंड है वो मुझे रिपीट नहीं करना है, सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ नो रिपीट, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड इमेज है उसको मुझे कवर करना है पूरी स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन के साइज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो ये मुझे अपनी पूरी कंप्लीट स्क्रीन पे लेके आना है, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इसकी पोजीशन को सेंटर में रख देती हूँ ताकि ये हमारी सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पोजिशन को मैं कर देती हूँ सेंटर, और जो बैकग्राउंड साइज है, ठीक है, तो ये हमारी सेंटर में आ चुकी है, बैकग्राउंड साइज को मैंने कर दिया कवर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको, और यू कैन सी कि जो आपका लॉगिन फॉर्म है, आपकी जो बैकग्राउंड का, आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें एनिमेशन भी ऐड करना है इस लॉगिन फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और एनिमेशन यहाँ पे कौन सा है कि इसका जो कलर है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ एनिमेट, एनिमेशन मुझे अटैच करना है हमारे बैकग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पे उसका टाइम में मेंशन कर देती हूँ 5 सेकंड, और उसको इनफाइनाइट रखती हूँ, ठीक है। देन मैं इसमें एनिमेशन अटैच करती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी की फ्रेम। हमारे एनिमेशन का नाम क्या था, एनिमेट बीजी, ओके। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ 100% पे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फिल्टर यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारी इमेज है उसमें हम फिल्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा फिल्टर यूज करेंगे, तो इसको मैं राइट कर लेती हूँ 360 डिग्री, ठीक है। सो लेट्स सी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी जो इमेज है उसका कलर जो है चेंज हो रहा है उसका फिल्टर, ठीक है। सो दैट पार्ट इज कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अपने लॉगिन फॉर्म के अंदर आते हैं और लॉगिन फॉर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मेन क्लास हमने बनाई थी, ठीक है, लॉगिन फॉर्म के लिए जो डिव हमने क्रिएट किया था उसकी क्लास हमारी क्या थी, लॉगिन बॉक्स। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ लॉगिन बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन बॉक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो लॉगिन बॉक्स हमने क्रिएट किया था, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था, उसकी पोजीशन को मैं रिलेटिव रखती हूँ अपनी स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन जो मुझे लॉगिन है उसकी विड्थ और हाइट को मुझे एडजस्ट करना है, यहाँ पे नियरली 400 to 300 पिक्सल के अकॉर्डिंग, राइट। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ बॉर्डर रेडियस भी ऐड है, और जो इसकी बॉर्डर है वो हमारी व्हाइट कलर की है, ठीक है। सो हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, इसकी पोजीशन को हमने रख दिया रिलेटिव, राइट, और इसकी विड्थ को मैं लेट से 350 पिक्सल रख लेती हूँ, ठीक है, और इसकी हाइट को मैं कर देती हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। देन इसके जो बैकग्राउंड है उसको मैं कर देती हूँ ट्रांसपेरेंट, ओके। इसके बैकग्राउंड को हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं 15 पिक्सल ऐड कर देती हूँ लेट से, और इसकी जो बॉर्डर है वो मुझे वाइट रखनी है, तो यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर भी अटैच कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो आई थिंक मुझे इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा इंक्रीज करना है, सो यहाँ मैं इसको 400 कर देती हूँ, और इसको हाइट को लेट से थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ 450, ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन नाउ, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, जो लॉगिन फॉर्म है वो मुझे सेंटर में रखना है, तो यहाँ पे मैं उसका जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम मुझे सेंटर रखना है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट को रखती हूँ मैं सेंटर में, अलाइन आइटम्स को भी मैं कर देती हूँ सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में एक फिल्टर ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं बैकड्रॉप फिल्टर ऐड कर लेती हूँ, दैट इज ब्लर, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो आपका लॉगिन फॉर्म है उसमें इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसमें एक फिल्टर अटैच है, और जो आपका थोड़ा सा ब्लर है,
राइट। तो यहाँ पे हमने इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया, तो ये हमारा थोड़ा ब्लर हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की थी। फॉर्म के अंदर हमारा एच टू टैग था जिसमें हमारा लॉगिन है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ जो हमारा हेडिंग है उसके फॉर्म साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म साइज इंक्रीज हो गया, और मुझे क्या करना है, इसका जो कलर है इसको मुझे वाइट रखना है, ठीक है, और इसको मुझे सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है, ये हमारे सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो इनपुट बार हमने क्रिएट किए थे ईमेल एंड पासवर्ड के लिए, उनकी क्लासेस क्या थी, इनपुट बॉक्स, राइट। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ डॉट इनपुट बॉक्स, ओके। तो जो इसकी पोजीशन है उसको मैं रिलेटिव रखती हूँ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे मुझे फॉर्म के साइज के अकॉर्डिंग मुझे इसकी पोजीशन को रिलेटिव रखना है, और जो है मेरी विड्थ है, ठीक है, विड्थ क्या थी फॉर्म की हमारी 400 पिक्सल, तो जो मेरे इनपुट्स हैं उनकी विड्थ थोड़ी हमारी कम है, तो यहाँ पे मैं उसका विड्थ थोड़ा कम ले लेती हूँ, लेट्स से 310 पिक्सल, ओके। ये हमारे इसकी विड्थ हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैं मार्जिन ऐड कर देती हूँ, टॉप और बॉटम से मैं ऐड कर देती हूँ 30 पिक्सल, तो यहाँ से इसके बीच में गैप आ गया, और लेफ्ट टू राइट से मैं इसको कर देती हूँ 0, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बॉर्डर ऐड करनी है बॉटम में, सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारी बॉर्डर ऐड हो चुकी है बॉटम में, राइट। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर ऐड कर दिया, देन हम आते हैं इसके बाद, इनपुट बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनपुट बॉक्स के बाद जो लेबल हमने यूज किए थे ईमेल और पासवर्ड के लिए, यहाँ पे उसको हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स के अंदर जो लेबल टैग हमने यूज किया था उसकी जो पोजिशन है उसको मुझे एब्सोल्यूट रखना है। वाई, कि जैसे हम इस इनपुट बार के ऊपर फोकस करें तो ये जो हमारा ईमेल है, ठीक है, मुझे इसकी पोजीशन को क्या रखना है, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इनिशियली ये हमारा क्या होगा, हमारे इनपुट बार के टॉप में होगा, और जैसे हम अपने इनपुट बार पे फोकस करेंगे तो जो हमारी ईमेल की पोजीशन है उसको, उसकी जो पोजीशन है उसको, वो हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम टॉप से थोड़ा सा -5 पिक्सल रखेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसकी पोजीशन को हमने रख दिया एब्सोल्यूट, देन इसका जो टॉप से मैं कर देती हूँ इसको 50%, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, तो इनपुट बॉक्स के अंदर ही है हमारा लेबल, तो यहाँ पे इसका जो टॉप है वो हमने 50% रख दिया है, और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट है, लेफ्ट में ले आते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट से 5 पिक्सल कर देती हूँ, तो ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वाई डायरेक्शन से उसको -50% ऐड करना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन से इसको -50% ट्रांसलेट करूंगी तो ये हमारा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करना वाई डायरेक्शन से, सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ ट्रांसलेट वाई -50%, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपकी लाइन है वो उसके ऊपर आ चुकी है, जो आपका लेबल है, राइट। अब इसका थोड़ा सा फॉर्म साइज मैं इंक्रीज कर देती हूँ, तो यहाँ पे इसका फॉर्म साइज मैं 1 em रखती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, और इसका जो कलर है वो मैं वाइट रख लेती हूँ, ओके। और इसका जो पॉइंटर इवेंट है इसको मैं कर देती हूँ नन, राइट। इसके पॉइंटर इवेंट्स को हम नन करते हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है, ट्रांजिशन ऐड करना है, ठीक है, कि जैसे हम इस इनपुट्स बार पे फोकस करें तो हमारा जो ईमेल है उसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है, तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन ऐड किया है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0.5 सेकेंड, ओके। तो इसकी ट्रांजिशन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांजिशन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कि जो मेरा इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स के अंदर जो हमारा इनपुट है ईमेल और पासवर्ड,
ठीक है, उस पे जब हम फोकस करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा लेबल है उसको हम टॉप से कर देंगे क्या, -5 पिक्सल। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं इस पे फोकस कर रही हूँ तो आपका जो पासवर्ड और जो आपका ईमेल है वो यहाँ पे टॉप में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसमें एक चीज और अटैच करनी है, डॉट इनपुट बॉक्स। जब हम इनपुट के अंदर, जब ये हमारा इनपुट क्या होगा, वैलिड होगा, तब भी हमें क्या करना है, अपने लेबल को टॉप में रखना है। ठीक है, जब ये हमारा, जब हम कुछ भी राइट करेंगे तब भी हमारा जो ईमेल और पासवर्ड है वो हमारा टॉप में ही होना चाहिए। तो ये हमारा ट्रांजिशन इसके अंदर ऐड हो चुका है। देन हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट ड्यू के अंदर आते हैं। नेक्स्ट ड्यू के अंदर हमारे क्या था, रिमेंबर फॉरगेट। तो यहाँ पे इसकी क्लास को हमने क्या मेंशन किया था, रिमेंबर एंड फॉरगेट। ओके, सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, डॉट रिमेंबर फॉरगेट। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डॉट रिमेंबर फॉरगेट के अंदर हमारी क्या क्या चीजें थी, हमारा एंकर टैग था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंकर टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर देती हूँ अंडरलाइन रिमूव करने के लिए। सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, तो ये हमारा नन हो चुका है। और वन थिंग इज लाइक कि इसका जो कलर है वो हमारा व्हाइट है, तो यहाँ पे मैं कलर भी मेंशन कर देती हूँ, इसका कलर मैंने कर दिया व्हाइट। ओके, सो जब मैं इस पे होवर करूंगी अपने एंकर टैग पे, तो आप देख सकते हो कि इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसके अंदर क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। तो मुझे इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर रही है जब हम इस पे होवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, डॉट रिमेंबर फॉरगेट ए। जब हम अपने एंकर टैग पे होवर करेंगे तो मुझे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करना है, अंडरलाइन। ओके, सो लेट्स चेक। ओके, देन हम अपने नेक्स्ट पर आते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बटन के लिए यूज करना है। तो जो मेरा रिमेंबर फॉरगेट है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसका जो कलर है रिमेंबर मी का व्हाइट रखना है, और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है। सो यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ, डॉट रिमेंबर फॉरगेट। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देती हूँ टॉप और बॉटम से। तो टॉप से मुझे थोड़ा सा कम देना है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ -15 पिक्सल। ओके, लेफ्ट से रखती हूँ 0 और यहाँ से नीचे से कर देती हूँ मैं 15 पिक्सल। ओके, देन इसका जो कलर है वो मुझे रखना है वाइट। तो रिमेंबर मी आपका वाइट कलर में आ गया। इसके जो डिस्प्ले है उसको मुझे फ्लेक्स रखना है, ताकि हम इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट हमारा स्पेस बिटवीन ऐड कर सके। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ स्पेस बिटवीन। ठीक है, इसके बीच में हमारा गैप आ गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है। सो हियर आई विल राइट फॉन्ट साइज आई थिंक 9। ठीक है, तो ये हमारे इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो डॉट रिमेंबर फॉरगेट के अंदर जो यहाँ पे मैंने इनपुट यूज किया था, जिसका टाइप हमारा क्या था, चेकबॉक्स। ठीक है, इसमें से मुझे थोड़ा सा मार्जिन देना है राइट साइड से। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, डॉट रिमेंबर फॉरगेट। लेबल के अंदर जो मेरा इनपुट बार है उसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा मुझे मार्जिन ऐड करना है राइट से, लेट से 3 पिक्सल। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने बटन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ बटन। तो बटन की जो विड्थ है उसको मैं 100% रखती हूँ कंप्लीट। ठीक है, तो बटन की विड्थ हमारी 100% हो गई, और इसकी जो हाइट है उसको मैं कर लेती हूँ लेट से 40 पिक्सल। हाइट इसकी 40 पिक्सल हो गई। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं वाइट ही रखती हूँ। ओके, और जो बॉर्डर है उसकी मैं कर देती हूँ नन। ठीक है, तो इसकी जो बॉर्डर है वो नन हो चुकी है। मुझे इसकी बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ, बॉर्डर रेडियस हमारी हो गई लेट से 48 पिक्सल। ओके, यहाँ पे मैं कर्सर ऐड कर देती हूँ पॉइंटर। तो आप देख सकते हो
कर्सर हमारा पॉइंटर ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, जो इसका कलर है वो मुझे रखना है वाइट, सॉरी ब्लैक कलर रखना है मुझे अपने लॉगिन के लिए। तो इसका कलर हमने ब्लैक रख दिया और इसका जो फॉन्ट वेट है मुझे थोड़ा इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे मैं 500 रख लेती हूँ इसका फॉन्ट वेट। और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज भी मैं ऐड कर देती हूँ, लेट से 1। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉन्ट साइज भी ऐड हो चुका है। अब बटन के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो लास्ट डिव हमने क्रिएट किया था उसका क्लास हमने क्या मेंशन किया था, रजिस्टर लिंक। ठीक है, रजिस्टर लिंक, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रजिस्टर लिंक। ओके, सो इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, 0.9 em। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज हमने रख लिया और मुझे इसका कलर थोड़ा वाइट रखना है, तो यहाँ पे मैं इसका कलर को वाइट कर देती हूँ। और इसको मुझे सेंटर में रखना है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, इसमें मैं थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देती हूँ, टॉप से मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लेट्स से 25 पिक्सल। लेफ्ट और राइट से मुझे 0 ही रखना है, और मुझे बॉटम से मुझे ऐड कर देती हूँ लेट्स से 10 पिक्सल। ओके, और देन जो रजिस्टर लिंक के अंदर जो एंकर टैग हमने यूज किया था रजिस्टर, उसका मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखना है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ रजिस्टर लिंक। रजिस्टर लिंक के अंदर जो पैराग्राफ के अंदर जो मैंने एंकर टैग यूज किया था उसका टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर देती हूँ नन। ओके, कलर को मैंने कर देती हूँ वाइट। ठीक है, तो कलर हमारा वाइट हो गया। और फॉन्ट जो वेट है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, लेट्स से 600। ठीक है, तो इसका फॉन्ट वेट हमारा इंक्रीज हो चुका है। देन हम क्या करेंगे, जो मेरा रजिस्टर लिंक है जब मैं इस एंकर टैग पे होवर करती हूँ तो मुझे इसके अंदर एक अंडरलाइन ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ कि जब हम इस पे क्या करेंगे, होवर करेंगे, तो मुझे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करना है, अंडरलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया। सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट। सो अभी मुझे क्या करना है, हमें इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज करना है, देन मुझे इसके इनपुट्स बार चेंज करने हैं, और आई थिंक या मुझे इसका फॉन्ट और इसका इनपुट बार हमें चेंज करना है। ठीक है, तो देन हम आते हैं अपने इनपुट बार में, लेट्स सी। इसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेती हूँ, फॉन्ट फैमिली को मैं रख लेती हूँ। ठीक है, तो इसका हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। अब मुझे यहाँ से इसके इनपुट को भी मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है, सो यहाँ पे मैं आती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट था उसकी क्लास हमारी क्या थी, इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट टैग हमने यूज किया था अपने ईमेल और पासवर्ड के लिए, तो उसको मुझे क्या करना है, उसका बैकग्राउंड मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है, उसके बॉर्डर को मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ उसकी विड्थ को 100%। ठीक है, तो ये हमारी विड्थ हमारी 100% हो गई, और हाइट को मैं कर लेती हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये हाइट हमारी 50 पिक्सल हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है, ताकि ये हमारा वाइट हमारा रिमूव हो जाए। तो ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा रिमूव हो चुका है, मुझे इसकी आउटलाइन को भी रिमूव करना है, सो हियर आई विल राइट आउटलाइन नन। और इसका जो बॉर्डर है वो भी मुझे रिमूव करना है, तो उसको मैं कर लेती हूँ नन। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी जो बॉर्डर है वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो यू कैन सी कि ये आपका लॉगिन फॉर्म आपका रेडी हो चुका है। अब मुझे एक चीज और करनी है, इसका जो कलर है यहाँ पे मैं इसको वाइट कर देती हूँ, और थोड़ा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ इसका फॉन्ट साइज, दैट इज 1 em। और मैं इसमें से थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड कर लेती हूँ, टॉप से मुझे 0 ही रखना है, लेफ्ट और राइट से मुझे थोड़ा इंक्रीज करना है, लेट्स से 30 पिक्सल। बॉटम से भी मुझे 0 रखना है, और मैं राइट से यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ लेट्स से 5 पिक्सल। ओके, सो लेट्स सी।
तो आप देख सकते हो कि जो आपका लॉगिन फॉर्म है आपका रेडी हो चुका है। सो इस तरह हम अपना लॉगिन फॉर्म डिजाइन करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। सो अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, सो आई विल प्रोवाइड यू द होल कोड। ओके, तो मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगी इसका। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।